हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ। मेरे साथ रिपीट करिए, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाया कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18, परफेक्शन ऑफ समाधि। श्लोक संख्या 48। जस्ट अ मिनट। ओके, श्लोक संख्या 48, 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इवावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि इव आवृता। सो यहां पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय। भगवान बोल रहे हैं कि हम यहां पर संसार में जो भी कार्य करते हैं वह कार्य दोषयुक्त होता है, लेकिन दोषयुक्त कार्य को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण बतलाया जा रहा है, जैसे जब हम आग जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और आग उत्पन्न होता है, तो आप देखते हैं कि ब्लेजिंग फायर जो अग्नि होता है वहां धुआं बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, आग जलने से पहले धुआं के द्वारा स्मोक जो है उसको कवर कर लेता है, फ्लेम को। धुआं अग्नि को उसके ऊपर एक कवर डाल देता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह कार्य दोषयुक्त, इन द बिगिनिंग दोषयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से और अच्छे से करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, तो वो फ्री हो जाता है दोष से। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस मिथिलेश माता जी, रीडिंग करिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। प्रत्येक उद्योग प्रयास न किसी किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है।
इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि वह ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतः कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो भी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी व्रत कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्णा प्रभु। सो हमने क्या देखा यहां पर? यहां पर भगवान ने बतलाया, इसको हम लोग बड़े आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर बोला जा रहा है, जैसे एक फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। क्या मतलब हुआ इसका? कि कलयुग जो है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे राजन, नो डाउट ये जो प्रेजेंट टाइम आने वाला है, उस समय वो आ चुका था, यस, बिगिनिंग ऑफ कलयुग का। ये जो कलयुग है दोष का निधि है, भंडार है। देखिए शुरुआत में बोला जा रहा है, यहां से 5500 वर्ष पहले, कि कलयुग जो है भंडार है दोषों का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग का अर्थ क्या होता है? द एज ऑफ क्वरल, द एज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आज का जो श्लोक है उससे मिलता है। भगवान कृष्ण भी यहां बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण केवल कलयुग के लिए नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोलना चाह रहे हैं कि वैसे तो इस संसार में कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो वो दोष युक्त तो होता है। हम आप कोई भी काम करेंगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि 100% परफेक्ट, हो ही नहीं सकता है। केवल भगवान का क्रिएशन, देखिए संसार जो है भगवान ने बनाया है, उसको भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं परफेक्टेड नहीं है, परफेक्ट नहीं है ये, जबकि भगवान की सारी वस्तुएं, भगवान जो कुछ बनाते हैं हर चीज परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन जब कोई मैनमेड होता है, जब हम कोई काम यहां करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो परफेक्टेड नहीं होगा। ये दोष इनबिल्ट दोष है, कमिटिंग मिस्टेक, पढ़ा था हमने कमिटिंग मिस्टेक। तो जब हम कोई कार्य करते हैं इस संसार में, यहां भगवान बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो दोष युक्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, ठंड के टाइम पे हम लोग बोन फायर, अगली को लकड़ी को जलाते हैं, हाँ, आग तापने के लिए। तो बिगनिंग में धुआं आता है,
फिर भी व्यक्ति रहता है वहां पे, थोड़ी थोड़ी सी आग, थोड़ी थोड़ी सी धुआं, जब तक कंप्लीटली, उसको बोलते हैं कंप्लीट कम्बशन, केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में, जब भी इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो धुआं निकलेगा, है ना, और जब कंप्लीट, अच्छे से बंद करो, जब कंप्लीट कंबसन होता है, जब अच्छे से मतलब उसको हवा मिल रहा है, वो जल रहा है, तो धुआं नहीं आएगा, स्मोक नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, ये डिमेरिट हो गया, दोष हुआ ये लकड़ी के जलने में भी। ऐसा नहीं है कि हम उस लकड़ी को फेंक देते, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चलो हम रुई जला लेते हैं, रुई को जलाएंगे तुरंत आग बन जाएगा, लेकिन रुई से आपका काम नहीं चलेगा, हमको लकड़ी चाहिए, लॉग ऑफ वुड चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं बिगनिंग में, या हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो पूरा का पूरा काम ही दोष युक्त रहेगा, लेकिन तो दोष मुक्त कैसे होगा। वही फिर से उसी श्लोक पे आइए जो भागवतम का श्लोक हमने पढ़ा था, कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग तो दोषों का भंडार है, लेकिन अस्ति एक महान गुणा, बट एक इम्पॉर्टेंट गुण है इस युग में, क्या है वो, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम विजेन, भगवान के कीर्तन मात्र से मुक्त संगह परम विजेत। हमको इस, ये जो शरीर है ना, तीन गुणों से बना हुआ, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, ये टेम्पररी शरीर मिला है जो हर समय एक समान नहीं रहता है, हर समय हम यंग नहीं रहते हैं, हर समय हम रोग मुक्त नहीं रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेज हो जाता है इसमें। तो ऐसे शरीर से और परम व्रजेत मुक्ति, दो दो चीजें बता रहे सुखदेव गोस्वामी, एक तो मुक्ति होता है इस शरीर से, इस संसार से, और परम धाम की प्राप्ति होती है, परमानेंट शरीर की प्राप्ति होती है, स्पिरिचुअल बॉडी की प्राप्ति होती है, जिसमें मन चाहा परिवर्तन आप करेंगे। स्पिरिचुअल बॉडी ऐसा नहीं कि बस एक ही, हम अगर 20 ईयर्स के तो वही दिखेंगे, अब कोई चेंजेस नहीं होगा, नहीं, भगवान की सेवा के लिए जो चेंजेस चाहिए आप खुद से कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में व्यक्ति खुद से चेंज करता है, भगवान की सेवा के लिए जैसा मन करे वैसा चेंज हो जाइए आप। हमने बताया था ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फेस की बात कौन करे, शरीर की बात कौन करे, पूरा का पूरा शरीर ही आप चेंज कर सकते हैं। आप वहां टेबल, चेयर, घास, पेड़ पौधे कुछ भी बन सकते हैं, ड्रेस, फ्लावर, कुछ भी, भगवान की सेवा के लिए। तो वहां क्या देखा हमने, भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण का नाम जो है वो हमको इन सारे दोषों से मुक्त करते हुए परम धाम की प्राप्ति करवाएगी, परम लोक की प्राप्ति करवाएगी। जबकि कौन से संसार में हैं हम और कौन से समय पे हैं हम कलयुग में, दोष से भरा पड़ा। उसी प्रकार से आज के श्लोक में भी, वैसे तो सारे काम दोष युक्त हैं, लेकिन पर्पस, जब हम उस काम को भगवान की सेवा में करते हैं, जब आप काम को करना शुरू करते हैं और पर्पस है भगवान को प्रसन्न करने का, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण की तरह काम करेंगे, है ना, हम बिजनेसमैन हैं बिजनेसमैन का काम करेंगे, हम क्षत्रियाज हैं तो मैनेजमेंट करेंगे, हम प्रोटेक्शन का काम करेंगे, मिलिट्री पर्पस, ये सारी चीजें, और हम वैश्य हैं तो बिजनेस करेंगे। ये हुआ स्वभावगत कार्य, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, याद होगा आपको, कि स्वभाव से जो हम हैं, हमको कर्म भी वैसा ही करना चाहिए, भले ही हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाए, दोष युक्त हो, हमको त्यागना नहीं चाहिए। आज भी वही बोल रहे हैं, हमको ऐसा नहीं कि ये काम हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, चलो इसको त्याग देते हैं, दूसरा काम ढूंढते हैं। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जब आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई कर्म करते हैं, जब उस कर्म के फल को भगवान को अर्पण करते हैं, तो आप दोष मुक्त हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना है ना, हमने क्लासेस में भी बोला है, कि हम लोग जगह की शुद्धि करते हैं,
जहां हम रहते हैं। इसलिए जब गृह प्रवेश करते हैं तो हमको नरसिंह हवन वगैरह करना चाहिए, या जैसे आर्थिक हम वर्क करते हैं और हमको सैलरी मिलती है, पैसे कमाते हैं, उसको शुद्ध करना है। जब हम भगवान को डोनेशन दे, शुद्ध हो जाता है। जब भोजन बनाते हैं, करेक्ट, कुकिंग करते हैं, फूड कुकिंग किया, अब उस भोजन को करने को मना किया गया है, करेक्ट, तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला है, ये पच्यंती आत्मकारणात्, जो व्यक्ति अपने लिए, अपने टेस्ट के लिए भोजन बनाता है और खा लेता है, तो क्या होता है, वहां भगवान बोलते हैं, ते तो अघम पापम, हम हर एक निवाले में, हर एक कौर में, हर एक ग्रास में क्या है, पाप को खाते हैं। तो वहां भी बोला गया है उसको पाप मुक्त करना पड़ेगा भोजन को, कैसे, भगवान को ऑफर करेगा तो पाप मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको हमारे जीवन की हर एक काम को भगवान को ऑफर करके करना पड़ेगा। क्यों, आप देखिए, भगवान ने भगवत गीता में ही बोला है, कामोस्मि भर्तर शभा, आई एम द रेगुलेटेड सेक्स लाइफ, आई एम दैट, जो कि धर्म के अनुसार है, धर्म के अनुसार मीन्स मैरिड लाइफ। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कुछ लोग बोलते हैं, अरे ब्रह्मचारी हम तो गृहस्थ हैं, नो प्रॉब्लम, शास्त्र भक्ति योग में बोला गया है एक नारी ब्रह्मचारी, तो शास्त्र में, जब धर्म शास्त्र में जो नियम बतलाया गया, जब हम नियम का पालन करते हैं तो हमको एक शक्ति मिलता है, नियम के पालन से शक्ति मिलता है। गांधारी को देखिए कितनी शक्ति थी, है ना, पतिव्रता पत्नीव्रता जो भी था उसके कारण, चेस्टिटी के कारण, आंख जो हस्बैंड को धृतराष्ट्र को दिखलाई नहीं देता था, उन्होंने बोला मैं भी आंख, मैं भी नहीं देखूंगी, इतना पावर आ गया। भीष्म पितामह को देखिए, वैसे तो वो डिवोटी ही हैं, उनकी भी शक्ति है। सो जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं तो वो कार्य क्या होते हैं, खुद ब खुद उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज होता है, जो भी दोष होता है, वो भौतिक दोष से रहित हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इसमें कई सारे उदाहरण दिए हैं कि कोई शूद्र, मतलब लेबर, सोचे कि मेरा मालिक अच्छा नहीं है, बहुत डांटता है, बहुत तकलीफ देता है, तो चलो दूसरा मालिक ढूंढते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं, नहीं। इसी प्रकार से बिजनेसमैन अगर सोचे व्यापार में कि बहुत कुछ हाइड करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो हमको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं। वैसे उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण सोचे कि हमको यज्ञ में पशु हत्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली अभी तो नहीं होता है, मैंने आपको कल बतलाया था, कलयुग में पशु हत्या नहीं है, किलिंग नहीं है यज्ञ में, ये वर्जित है। कलौ पंच विवर्जयित, कलयुग में पांच चीज जो कि शास्त्रों में वर्णन है उसको मना किया गया है, अश्वमेधम गवालंबन, और देवरेन सूतोत्पत्ति, फल पैतृकम। कलयुग में कुछ चीजें बंद की गई हैं, जैसे गाय की बलि करना, या अश्व घोड़े की बलि करना, ठीक है, या संन्यासम फल पैतृकम, संन्यास भी वर्जित है कलयुग में, पीपल इन जनरल के लिए, संन्यास सबको नहीं लेना है, वर्जित है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में संन्यासी, क्यों, हायर गोल के लिए ले सकते हैं, प्रीचिंग पर्पस के लिए ले सकते हैं, भगवान के नाम के प्रचार के लिए ले सकते हैं। ओके, चैतन्य महाप्रभु ने भी लिया था, भगवान थे, उनको लेने की क्या आवश्यकता थी, वो चैतन्य महाप्रभु तो स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। ओके, कि डिटैचमेंट, और उसके भी अवतार हैं वो, उन्होंने ये भी शो किया है ना कि वो सबसे बड़े त्यागी हैं भगवान, हमने पढ़ा है, भगवान का एक गुण है रिनंसिएशन। रामचंद्र जी ने भी त्याग किया था 14 ईयर्स का। हाँ, तो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव वाले कार्य को क्या करेगा,
यह सोच करके कि इसमें कुछ कमी है, कुछ दोष है, हमको त्यागना नहीं चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्य को करते रहें और उसके फल को भगवान को अर्पण करते रहें, उससे जो भी उसमें अशुद्धि है ना, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्नि से शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा बतलाया जाए कि जैसे हम लोग डिवोटीज है ना, ड्रेस पहनते हैं, तो उलेन ड्रेस होता है, कॉटन ड्रेस होता है, दो समझिए, उलेन और कॉटन। कॉटन ड्रेस आपने पहन लिया और आप एक बार वॉशरूम के अंदर इन किए, वो ड्रेस मुची हो गया, या बेड पे बैठ गए, वो ड्रेस पहन के ना कोई व्यक्ति मंदिर ऑल्टर के अंदर नहीं जा सकता है। ओके जब तक वो, तो कैसे प्योर होगा वो, जब तक पानी में नहीं भिगोएंगे उसको। कॉटन पानी से शुद्ध होता है, इसलिए हम उसको वॉश करते हैं, जस्ट वाटर वॉश भी कर दीजिए, पानी में डाल दिया, निकाल दिया। उलेन की खूबी देखिए, उलेन एयर से शुद्ध हो जाता है, उलेन वस्त्र या सिल्क भी। तो ये सारे कुछ कुछ नियम हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है अग्नि, ये हमने देखिए वाटर देखा, एयर देखा, फायर, फायर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप देखते हैं जब मृत्यु होता है तो वो जलाया जाता है शुद्धि के लिए ही। आप देखते हैं ना जब किसी का डेथ होता है तो सारे लोग बोलते हैं कि हमको टच मत करो, या अरे इसको टच मत करो, इम्प्योर हो जाएंगे, हम दूर हटते रहते हैं, इम्प्योर है। अग्नि में डाल करके सब, जब जब हम जला देते हैं, उसके बाद आकर के टेक नहाते हैं, फिर हम शुद्ध होते हैं। तो अग्नि इतना शुद्ध है, लेकिन उसमें भी धुआं है, रूपा जी लिख रहे हैं, उसके अंदर भी धुआं है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे ये अशुद्ध धुआं है, नहीं। तो हमको कभी भी, हमको अपने वृत्ति को, अपने कार्य को, स्वाभाविक कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। दोष युक्त भी हो, नो प्रॉब्लम है, हम उसके फल को भगवान को अर्पण करेंगे, उसके सारे विकार, उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। रूपा जी लिख रहे हैं, जब हम भगवान को अर्पण करते रहते हैं, रूपा जी ये लिख रहे हैं, जब वृत्ति परक कार्य, वृत्ति परक मीन्स क्या होता है, वृत्ति मीन्स हमारा जो स्वभाव है, स्वाभाविक गुणों के आधार पर जो हमारा कार्य है, ऑथराइज्ड वर्क, वो वर्क जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपने काम कर सकते हैं। कोई फार्मर है भगवान को प्रसन्न करने के, कोई बिजनेसमैन है भगवान को प्रसन्न करेगा, कोई इंजीनियर है भगवान को प्रसन्न करेगा, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई हार्डवेयर में है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है अपने वृत्ति परक कार्य को करते हुए, तब क्या होगा कि उसके सारे कर्म फल जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और वह व्यक्ति अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, मतलब परमात्मा के दर्शन कर सकता है। आत्म साक्षात्कार उसी को बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, मतलब एक व्यक्ति जो कि घर संसार में है, मतलब गृहस्थ आश्रम में, वह व्यक्ति भी अपने कार्य को शुद्ध करके, शुद्ध कैसे करेगा, जब उस कार्य के रिजल्ट को भगवान को अर्पण करेगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वह व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ये बतलाया जा रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसको क्या करना है, अपने स्वभावतः कार्य को करते हुए, या स्वभावतः कार्य को भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, उसके रिजल्ट को भगवान को चढ़ाना है। आपको याद होगा 3-4 श्लोक पहले भगवान ने बोला था, व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए स्वभावतः कार्य, साथ ही साथ मेरी पूजा करना चाहिए, भगवान ने बोला था वहां पे, तम अभ्यर्च्य, मेरी पूजा करना चाहिए।
तो इसीलिए अभी हम लोग प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में भी क्या बतलाया जाता है, यहाँ भी वही बतलाया जाता है। आप जो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में है, प्रोफेशन कार्य करिए, साथ ही साथ शुद्ध करना है सारी चीजों को, घर में रह के घर को शुद्ध करना है। कैसे घर शुद्ध कैसे होगा? जब उस घर में एक छोटा सा मंदिर होगा ठाकुर जी का, घर में मंदिर होगा तब तो घर मंदिर बनेगा। और भगवान को भोजन भोग लगना है, जो भी खाना है भगवान को भोग लगना है। जिस घर में भगवान का नाम होता है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जब हम करते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे हुआ, जितने लोग करेंगे उतना ज्यादा शुद्ध होगा। मंदिर में और नॉर्मल घर में जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्या फर्क होता है? मंदिर में बहुत सारे लोग जप करते हैं, बहुत सारे लोग कीर्तन कर, उसका प्रभाव ज्यादा हो गया। करेक्ट। एक आदमी ने, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी घर में है, वो बिजनेस, वो जॉब करता है और उसकी सैलरी 10,000 है, उसी घर में 4 लोग हैं, चारों की सैलरी 10,000, 40,000 हो गया, बढ़ गया इफेक्ट। वैसे ही टेम्पल में क्या होता है, बहुत सारे लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, बहुत डिवोटीज करते हैं, इसलिए इफेक्ट ज्यादा होता है। मंदिर में कम लोग हैं, घर में कम लोग हैं, उसमें भी कुछ लोग नहीं करते हैं, उसमें भी उनका कुछ अलग ही है, तो वो उनके साइड इफेक्ट, उसको नलिफाई, उसको कट करना। तो इसीलिए हमको घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे आसान काम है कि हमको भगवान के नाम का जप करना है अच्छे से, और भगवान को भोग लगाना है, भगवान की आरती करनी है। मेल फीमेल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको करना है। और ढंग तरीका जैसे पंचरात्रि की विधि में बतलाया गया है, वैसे एक्चुअली वो भी आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं आरती वारती बोल रहा हूं ना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है ना कि केवल नाम जप से हो जाएगा। भगवान के नाम का जप इतना पावरफुल है, उसको बोलते हैं भागवत विधि। दो विधियां होती हैं, भागवत विधि और दूसरी होती है पंचरात्रि की विधि। तो प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने दोनों को मिक्स किया है, दोनों को, क्योंकि हम लोग बहुत रेस्टलेस लोग हैं कलयुग के, हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते 5 मिनट फिक्स्ड होकर के। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्रिएट किया गया है कि आप 2 घंटे जप करिए, भागवत का अध्ययन करिए, भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान का श्रृंगार करिए, भगवान की आरती करिए। तो पंचरात्रि की विधि और दूसरी जो हमारी भागवत विधि है, दोनों को मिक्स करके आचार्यों ने हम लोग को एक कंपोजिट फॉर्म में एक कार्य दिया है, भक्ति करने का तरीका बतलाया है। लेकिन केवल भगवान का नाम ही काफी है यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक में हमको यही बतलाया गया है, आप लोग समझ गए होंगे कि हमको कोई जो काम कर रहे हैं, हमको उसको त्यागना नहीं चाहिए यह सोच करके कि मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, इस काम में दोष है। नहीं, ये नहीं करना है, हमको उस काम के रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना है, वो काम भी शुद्ध हो जाएगा और दोष उसमें रहे, भौतिक दोष रहते हुए भी वो आपको बांधेगा नहीं। दोष से क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लीजिए चोरी करना, गवर्नमेंट बोलते चोरी बुरी, चोरी के लिए कोई सजा नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति आप देखेंगे कि ऐसा होगा कि कोई दिक्कत होगा कहीं से कुछ भी उठाने में, कहीं गए कहीं से कुछ उठा लिया? नहीं, पनिशमेंट नहीं है। तो वैसे ही जब आप अपने कार्यों को भगवान को दे देते हैं, तो वो दोष फ्री हो गया। फ्री क्यों? मालिक को दे रहे हैं ना, आपने जो भी काम किया आपने ऑफर कर दिया फल को ही भगवान को, वो तो मालिक है सारे कार्यों के, तो आप भौतिक दोष मुक्त हो जाएंगे। तो ये आज का क्लास था, अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। मैं एक संकीर्तन के लिए आया हूं यहाँ पर, गृह प्रवेश हुआ था कुछ दिन पहले, उस समय भी आया था मैं, और आज उनके यहाँ कुछ है, तो किसी का कोई प्रश्न है?
एक श्लोक कर लेते हैं और वी हैव टाइम। श्लोक संख्या 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम सन्यासेन अधिगच्छति। परमाम सन्यासेन अधिगच्छति। अब यहां सन्यास की बात आई है, करेक्ट, समझने का प्रयास करेंगे। असक्त बुद्धि, वैसी बुद्धि जो अनअटैच्ड है, वैसा मन जो अनअटैच्ड है। क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि हमारा मन अनअटैच्ड है, हमारी बुद्धि अनअटैच्ड है? तो अटैच्ड किससे है, प्रश्न तो ये है ना, अनअटैच्ड किससे, अटैच्ड किससे? जब हमारा मन भगवान से अटैच्ड होता है, जब हमारी बुद्धि भगवत गीता का अध्ययन करती है, भागवत का अध्ययन करती है, भागवत श्रवण करती है, भगवत गीता श्रवण करती है, तो वैसे बुद्धि को बोलते हैं अनअटैच्ड फ्रॉम मटेरियल सब्जेक्ट मैटर, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक विषय वस्तुओं से। जब अनासक्त की बात की जा रही है, मतलब भौतिकता से, भौतिक वस्तुओं के अट्रैक्शन से, हाँ। और देखिए, केवल अनअटैच्ड नहीं है, हमने क्या बोला, जो बुद्धि, जो मन भगवान में लगा हुआ है, जो बुद्धि भगवान को सुनने, भगवान के विषय में सुनने के लिए, भगवान को समझने के लिए, वह बुद्धि अनासक्त होगा। ऐसा नहीं, ओ मैं इस संसार की चीजों का यूज नहीं करूंगा और बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा अनासक्त व्यक्ति, नहीं, वो व्यक्ति काम के काम छोड़ करके पड़ा रहेगा, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति खूब काम करेगा। इसलिए डिवोटीज जो होते हैं बहुत काम करते हैं, आप देखते हैं हमारे टेम्पल में डिवोटीज अलग अलग वर्क करते हैं, बहुत सारे डिवोटीज अलग अलग चीजों को यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए। ओके, सो कहने का अर्थ है, हमको जब हम अपने इस बॉडी का, माइंड बॉडी सिस्टम का भगवान की सेवा में प्रयोग लाते हैं, इसका मतलब है हमने क्या किया, भौतिक चीजों से हमने दूरी बनाई, उसको बोलते हैं अनासक्त। ओके, कुछ छोड़ना वोड़ना नहीं है, एक ही चीज है, या इधर लगा लो या इधर लगा लो, जैसे ही भगवान की तरफ लगा लिया तो भौतिक प्रभावों से हम दूरी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ये सुनीता माता जी पढ़ेंगी, हैं? हरे कृष्णा। विभा गुप्ता माता जी हैं, आपकी आवाज हाँ स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। हर्षिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट इज अनस्टेबल। यस, हर्षिता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रही है। अनुवाद, अनुवाद हाँ पढ़िए जी प्रभु जी। जो आत्म अनुवाद जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ओके, वेट, मिथिलेश माता जी फिर से, सॉरी मीनाक्षी माता जी, रिपीट करिए इसको, फिर दोबारा इसको पढ़ो। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मीनाक्षी माता जी को बोला मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और
एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे ओके, मैं थोड़ा सा पढ़ना कृष्णा प्रभु चाहूंगा यहाँ जी। पर, 1 मिनट रुक जाइए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, मीन्स जिसने अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल कर लिया है, तो कंट्रोल कर लिया है मतलब उसको पता है कहाँ लगाना है, उसको वहां लगाएगा। तो उसको पता है शास्त्रों में कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, तो अनासक्त भी हो गया, वो आत्मसंयमी हो गया और अनासक्त भी हो गया। अब वो क्या करेगा, जितने भी भौतिक भोग है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीजें, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें, जैसे इतने सारे मॉल हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, और बाहर निकलिए तो बाहर निकलते ही सब कुछ आपको वही दिखाई देगा। बाहर निकलने के बाद संसार में जो कुछ आपको दिखलाई दे रहा है ना, वो सब भौतिक भोगों से भरा पड़ा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। लेकिन डिवोटी भी निकलते हैं उधर, डिवोटी भी निकलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो निकलते हैं किसी खास पर्पस को लेकर के। और अनासक्त और आत्मसंयमी हो, जो अनासक्त और आत्मसंयमी है ना, किसी किसी मतलब 100% नहीं है, एक लेवल में है, तब वो बाहर जाते हैं। जैसे जब बॉर्डर्स पे फाइट होता है, तो क्या जो लोग जस्ट ज्वाइन करते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनको भेज दिया जाता है चलो फाइट करो? नहीं, जो वेल ट्रेंड होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनको फाइटिंग के लिए भेजा जाता है। वैसे ही डिवोटीज भी जो जो ट्रेंड है, डिटैच्ड है, वे व्यक्ति बाहर प्रचार के लिए जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, संन्यास अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। वह संन्यास अभ्यास के द्वारा, संन्यास मतलब सतन्यास के द्वारा, मतलब जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस किया है भगवान के नाम का उच्चारण, सत के साथ रिलेशनशिप बनाने का। संन्यास मतलब क्या, सत के साथ जिसने संबंध बनाया है, जिसने एक अपने रिलेशन को क्रिएट किया, फिर से रिस्टैब्लिश किया है, मतलब जिस व्यक्ति ने भक्ति को फॉलो किया है, भक्ति को प्रैक्टिस कर रहा है साधक, वह व्यक्ति मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि, देखिए मुक्ति नहीं प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, मुक्ति वन वन ऑफ द लेवल, सबसे निचला लेवल है मुक्ति। मुक्ति में भी सबसे ऊपर कुछ होता है, उसको बोलते हैं भगवान की भक्ति, और उसमें भी टॉप मोस्ट कृष्ण प्रेम। ओके, तो यहां पर वही लिखा जा रहा है कि हमको भक्ति को जब फॉलो करेंगे, भक्ति योग का पालन करेंगे, अगर इसको सिंपल लाइन में समझे, भगवान के नाम का उच्चारण, श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, तो हमको मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम को लेने के साथ ही व्यक्ति आत्मसंयमी और अनासक्त दोनों बनता है। ओके, यस, तात्पर्य हर्षिता माता जी पढ़िए। तात्पर्य, सच्चे सन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में श्री एक चीज भगवान मैं के बोलना लिए। चाहूंगा यहां पर, देखिए प्रभुपाद जी ने फिर दूसरा डेफिनेशन भी दिया सन्यास का, दूसरा नहीं वही चीज है, दूसरे शब्दों में सुनिए सन्यास क्या है। सन्यास का अर्थ है कर्म करना, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। दूसरे लैंग्वेज में और बोले, कर्म करना, कर्म के फल को का भोग डायरेक्टली नहीं करना, कर्म के फल को भगवान को भोग के लिए देना, और जब भगवान ने उसको भोग कर लिया, प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना, इसको बोलते हैं सन्यासी। देख रहे हैं, सन्यास आश्रम की बात नहीं किया जा रहा है, सन्यासी की बात की जा रही है। सन्यासी कोई भी हो सकता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, अगर वो इस प्रकार से कर्म करता है, अपने कर्म का फल डायरेक्टली एंजॉय नहीं करता है,
भगवान को भोग लगाता है, फिर एंजॉय करता है। जैसे भोजन का उदाहरण हर समय याद रखिएगा, भोजन बनाया और खा लिए बस, तब तो आपको उसका रिएक्शन लगेगा। यस, आगे पढ़िए। ऐसी मनोवृत्ति, हरे कृष्णा पढ़िए। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। हम्म, ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में श्री भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह श्री भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए प्रभुपाद जी यह डायरेक्टली लिख मनोदशा रहे हैं। यस गो अहेड। योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यह सत्वात्म रतिरेप स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ तो मैंने आपको बतला दिया, सेकेंड हाफ में बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होता है, हर समय, उदाहरण के लिए हर समय भोजन याद रखिएगा, हम भोजन तो बनाएंगे, बढ़िया भोजन बनाएंगे, डिलीशियस भोजन बनाएंगे, लेकिन हमारे मन में हर समय रहेगा ये भोजन पहले भगवान इसको टेस्ट करेंगे, चखना। भोजन को कौन पहले टेस्ट करेगा, कौन चखेगा? भगवान करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके बाद, हमने बनाया, भगवान को भोग लगाया, भगवान ने टेस्ट किया, अब हम उसको टेस्ट करेंगे। मतलब जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो सारे कार्यों को जब करता है तो पहले भगवान को अर्पण करता है। हो सकता है उसमें उसमें वो परफेक्ट नहीं हो, काम उतना अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन भगवान को अर्पण कर देता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नॉर्मली संन्यास आश्रम वाले जो लोग होते हैं वो तो आप देखिएगा कि उनको, उनके लिए डेली वर्क नहीं होता है, ऑफिस नहीं जाते हैं और ना ही इस प्रकार के कार्य करते हैं, वो बंधन से मुक्त प्रतीत होते हैं। प्रभुपाद जी ने सोचा, हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो। प्रभुपाद जी पर आगे लिख रहे हैं, लेकिन लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, भले ही उसने संन्यास ग्रहण नहीं किया है, लेकिन अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बतलाए गए नियमों का पालन करते हुए कार्य करता है, उसको योगारूढ़, मतलब योग की सिद्धावस्था, जिस जो योग पे बिल्कुल आरूढ़ हो गया है, सिद्ध कर लिया है, माना जाता है, वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावनामृत में होते हुए, गृहस्थ होते हुए, ब्रह्मचारी होते हुए, वानप्रस्थ आश्रम को होते हुए या संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हुए, वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि को प्राप्त कर लेता है मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति का अर्थ ही है भगवान को प्राप्त कर लेना, क्योंकि सिद्धि के बाद भी हमको ऐसे ही कार्य करने हैं। यहां पर जो हम कार्य कर रहे हैं वो दोष युक्त है, बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है समझिएगा, इस संसार में जब हम ये भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये दोष युक्त है, लेकिन जब हम गोलोक में, वैकुंठ में, अयोध्या में, मथुरा में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में जब भगवान की सेवा करते हैं, ओरिजिनल ऊपर जाकर के, ऊपर वाले ओरिजिनल में, वहां पर सारे कार्य दोष मुक्त होते हैं, वहां पर प्रेम युक्त होता है। दोष युक्त यहां है, वहां प्रेम युक्त होता है, प्रेम के साथ, फोर्स के साथ। प्रेम का फोर्स है कि हमको भगवान के लिए ये बनाना है, भगवान के नाम को बोलना है, प्रेम के साथ वहां करते हैं। यहां पर कई बार बेमन से करते हैं, कई बार करने का मन नहीं होता है, फोर्सफुल है, क्या करें, चलो, कई बार होता है। तो ये साधना भक्ति है, ये हम अभी साधना कर रहे हैं, साधक है, इसीलिए कई बार इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे। किसी को किसी का कोई प्रश्न है?
यस, बहुत दिनों बाद भूमिका महाजन माता जी आई हैं क्लास के लिए। ओके, सो आज चैंटिंग भूमिका माता जी करवाएंगे। हरे कृष्णा, ओके, शायद वो नहीं है, तो कौन करवाएगा? कुंती माता जी करवाएंगी चैंटिंग। ठीक है, आज का चैंटिंग कुंती माता जी कराएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कराती हूँ। हरे ओके ओके, कराती है। ठीक है ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण। कराती ठीक है ठीक है। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री हूँ। कृष्ण बलराम की जय, जय श्री श्री जय निताई गौरंग की जय, जय हरि जय नाम जय संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे जय कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता की जय, वृंद देवी जय महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय की जय, निताई गौर हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरि प्रभु कृष्ण स्वामी प्रभु देव, जी, हरे कृष्ण हरि कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको कृष्ण। भी जोड़ लीजिए।